थोड़ी चक्कर दे दे विच कोरोना हो जाए उधरों कालू बंदे तो कोई नुकसान हो जाए तो फिर उधर जिम्मेवार कौन? नहीं, उसकी जिम्मेवारी जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे और उसको देखेंगे तो हम बताएंगे किसको। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी फील होती है डेली तो नहीं होगा, अगर ये नहीं होती है तो होगा। क्योंकि जैसा भी ये कह रहे हैं, कुछ भी खाओ पियो और परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, नेवर सर। जो व्यक्ति मांस खा रहा है और वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा, नेवर। आपको नंबर दे दूंगा मैं, अभी अब और फोन करिए और वो लेडी से पूछिए कि आपको कैंसर था कैसे ठीक हुआ। सबने मानी, पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्री में है, किसी एक में नहीं है। इसमें 5 डॉक्टर को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री प्राप्त हुई है। अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ, अभी कलयुग के 2000 वर्ष बीते हैं, 12000 वर्ष का कलयुग है, अभी आपने कैसे लिख दिया? एक मिनट, ये तो शास्त्र लोग झूठे हैं, उसको हम झूठा मान ले, आपको सही मान ले, या तो आप जो कह रहे हो वो गलत है, दोनों एक ही चीज है ना। ये नहीं, आपको मैं अपने पास रखूंगा, मैं ही देखूंगा कि आपको किसी चीज की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। अगर नहीं पड़ती है तो मैं मान लूंगा कि आप जीते, अगर पड़ी तो मैं। कुरान में ये लिखा है कि आप किसी काफिर जो मूर्ति पूजा करता है उसकी आप हत्या करेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। मैं ये पूछता हूँ वो कुरान लिखने वाले से कि उसको तो हूरें मिलेंगी बंदे को, और जो उसकी जनानी जाएगी उसको क्या मिलेंगे? सत श्रीकाल जी, तुसी डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, एक तस्वीर थोनू दिखा देने आ। ये डॉक्टर IAS बंसल ने कोई ये कहते कि कोरोना की दवाई की लोड़ है नहीं, बाकी समस्यावां की लोड़ है नहीं, तुसी आपके शरीर तो सारा कुछ ठीक कर सकते हो। दूजे पासे देखा जाए जिवें जिवें ये समझा रहे हैं तो नाल ही इन्हां दा एक जकीये विरोधी जकीये कि गल्लां नूं ना मनण वाला शख्स भी बैठा है तो गल कर रहे हैं। बंसल साहब एक मिनट गल करते हैं, पहला हूँ तुम ए दसो ये पहले तो डॉक्टर IAS ना ना दोनों नाल ही कर लेंगे कोई नहीं। डॉक्टर IAS बंसल लिखे है पहले तो डॉक्टरेट का दी? मैंने नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक से डॉक्टरी की है। ठीक है, लोगों को की सिखा रहे हैं? स्पिरिचुअल पावर से कोई भी इंसान खुद घर पर बैठकर कैसे ठीक रह सकता है, बच्चे की पढ़ाई को कैसे बदल सकता है। एक बच्चा डल दिमाग का, एक टैलेंटेड है, फादर मदर फादर सेम है, कैसे बदलेंगे? जो मैंने अभी प्रैक्टिकल दिया है आपको, इसको जिस बच्चे को ये होता है या मदर फादर को रहता है तो वो बच्चा उसके साथ रहेगा, बैठेगा 5 मिनट, अपने आप ही उस बच्चे में चेंज आएगा। योग दे तौर ते तनु देख सकदे आ, बाकी तो सारी चीज किधर किधर ड्रामा लगदी है कि होता कुछ नहीं। ये योग ही तो है, जब हमारी दो चीज दावा तो नहीं ना कर सकदे, ये तो ये अभी ठीक करके देख लो, हो गया ना हो गया नहीं होगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एड्डा बड़ा दावा किवें नहीं? इधर आओ सुनील जी एक मिनट। हम तो जो चीज करोना तो आएगा ही नहीं जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी, उसको क्यों लगेगा? डॉक्टर जो दुनिया तुरे फिर वैसे ही तुरे फिर ये तो आप जो क्यों कहा दावे करी जा रहे हो, लोगों उल्लू बनाने वाला काम है। नहीं कह रहे भाई, अगला थोड़ी चक्कर दे दे विच कोरोना हो जाए उधरों कालू बंदे तो कोई नुकसान हो जाए तो फिर उधर जिम्मेवार कौन? नहीं, उसकी जिम्मेवारी जब हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे और उसको देखेंगे तो हम बताएंगे किसको। पुष्टि की में होगी इस चीज की, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने कोरोना नहीं होगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव एनर्जी फील होती है डेली तो नहीं होगा, अगर ये नहीं होती है तो होगा, कोई गारंटी की में होगी है। जिला पूरी तुसी मैं भी करके देख रहा, फील फूल तो कुछ भी नहीं होता। इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगा कि भाई आपको ये, किसी को हो जाती है 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, किसी को नहीं होती। मुझे 3.5 साल बाद हुई थी, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि मैं मंत्रों का जाप करता जैसे भाई साहब पांडे जी करते हैं। अभी 3.5 लाख मंत्रों से जाप करते हैं। सुनील जी एक मिनट गल सुनो, ये जी गल कह रहे ने मनिया जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इनके बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये टोटल हिप्नोटाइज्ड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा भी ये कह रहे हैं, कुछ भी खाओ पियो और परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, नेवर सर। जो व्यक्ति मांस खा रहा है और वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा, नेवर। ये कभी भी कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं किसी धार्मिक बुक में नहीं लिखा, कभी किसी महापुरुष ने नहीं बोला। तो ये बंसल जी एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, ये समस्या बाहर है। कोरोना ना कहते कुछ नहीं होना है, कोरोना का भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल कोरोना है सर, सारी बीमारियां हैं और उसका इलाज दवाइयों से होगा, ऐसे प्रोपोगंडा से कुछ नहीं होता। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो सही गल है, तो उसे मरवा दोगे लोगों को, जो कोई भी थोड़ी गल मनन लग गया कोई ठीक है भी। आप वैसे अपने हेल्दी तौर पर हो सकता, पर जो तुम कहो भी कल मैं कोई हाथ भारी होने लग जाए तो बाद च लग जूगा कि हाँ ठीक है कि तुम कोरोना। ये तो साइंस है, ये तो साइंस, जब लैब में जाएंगे न्यू मनी है साइंस, थोड़ी किसने करी है? मैं आपके सामने बैठा हूं, आपको नंबर दे दूंगा मैं, अभी अब और फोन करिए और वो लेडी से पूछिए कि आपको कैंसर था कैसे ठीक हुआ। वो अपने आप कैंसर के दे भी ठीक हुंदा है। अब ये तो
अब देखिए यहाँ बैठ के तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाएंगे, आप मेरे साथ हफ्ते दस दिन ठीक है, कह रहे हो भी स्पिरिचुअल तौर पे भी योगा करो, ये करो, इतना हो जाऊगा, ऊपर तुम कि किसी माता का पोस्टर लाया भी परम पूज्य माता श्री निर्मला नाले लोगों को इधरले पासे पाइए ना, ये तो पिछली दूरी धार्मिक वाला पासा उड़ाइए ना। नहीं नहीं नहीं, हां ये क्यों लिखा फिर, जब आपके पास में इन्होंने ये क्रिया पद्धति शुरू की और उससे बेनिफिट हुआ हमको, जब हमको खुद को फायदा हुआ, सब क्रिया होर ने भी मानी है या माता जी ने मान ली तो तुमने मान ली, सबने मानी है, पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्री में है, किसी एक में नहीं है, इसमें 5 डॉक्टरों को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमडी की डिग्री प्राप्त हुई है, इसी योग के प्रूफ किया गया है बाकायदा, ऐसा नहीं है। और जब आपके सामने आदमी बैठेगा मरीज और हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे और आप भी करेंगे एक को और एक को दूसरे को दीजिए, अगर जिसका मरीज को फायदा जल्दी हो तो आप मानिए कि वो असली डॉक्टर है, चेक कर लाने अभी उदे चेहरे पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई, हुन बंदा ठीक है, किसको चेक कर लाने, हां पता करे जिम्मे मैं करा मेरे चेक कर लोगे तुम, क्यों नहीं करेंगे, कैसे कर लोगे, जब आप बात कर रहे हैं आपकी पोजीशन मुझे पता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी तो कोई समस्या मेरे को तो आज तक आई नहीं है, 33-32 साल में, जब आप मेरे पास रहेंगे मेरे को है तो मेरे पास तो होगी ना थोड़ी, मुझे भी दिक्कत होगी, सुबह दिक्कत होगी, दोपहर में दिक्कत होगी, कभी तो होगी दिक्कत, जब आप मेरे पास रहेंगे ठीक शुरू हो जाए वो तो अलग बात है ना, वो तो आप कर दें, नहीं ये नहीं, आपको मैं अपने पास रखूंगा, मैं ही देखूंगा कि आपको किसी चीज की मेडिसिन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, अगर नहीं पड़ती है तो मैं मान लूंगा कि आप जीते, अगर पड़ी तो मैं साहब एक चीज बताइए, एक तो चीज आप योग के हिसाब से बोल रहे हो, दूसरा आपने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि इंसानों के पास होते हैं लेकिन कुछ लोगों के नकली गुरु बनकर इसको लुप्त कर दिया है, जब जब युग बदलता है तब तक कोई अवतार आता है, अब बीच में आप लोगों को ये ब्रह्मों में डाल रहे हो, ये पखंडबाज में कि अवतार कहां से आ गया, अब ये तो आप प्रकरण जो हम प्रैक्टिकल देंगे और जिसको हम कराएंगे अगर उसको फायदा होता है और एक को आप कराएंगे साधु जिहड़े बथेरे पखंडी फिरदे हुंदे ने दस नूं कह जांदे ने दोनों तो हो ही जांदा कई बार, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जो जहां मरीज जो केड़ी गल्लां पए होए ने तुहानूं लगदा लोकां नूं, देखो गल इहदे विच इह है वी इह जगह जगह जा रहे ने, इन्हां ने नीचे भी लिखिया वी प्रेस दे माध्यम नाल थां थां ते जानी चाहीदी है, हर किसे नूं पता लगना चाहीदा, इह गल मन्नी जा सकदी है, हजारों साल पहले वेद शास्त्र रखे हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हजारों साल पहले वेद शास्त्र रखे, वेद शास्त्रों को मानते हो तुम, मानता हूं, उसमें कहीं भी ऐसी टेक्नोलॉजी का वर्णन नहीं है, अगर हमारे वेद शास्त्रों में भी नहीं कहा तो ये कहां से निकाल के लिया है, पहली चीज, सेकंडली चीज, आप कहते कि आप मांस भी खाओ और परमात्मा भी मिल जाएगा, जो मर्जी खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं, किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा है कि आप मांस खाइए और परमात्मा की प्राप्ति होगी, नेवर, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, ये तो ये है कि लोगों को इकट्ठा करने का एक मोपेड हो सकता है और कुछ नहीं है, देवी जी कहते इन्हां नूं मिल गया सारा कुछ, आ देवी जी दी फोटो लाई ऊपर, सर बिल्कुल गलत है, ऐसे किसी भी देवी देवता को किसी बंदे को देवी देवता मान लेना उस देवी देवता की निंदा है, देखिए किसी भी चीज को किसी के कहने से नहीं मानना चाहिए, उसको आराम से पहले उसके बारे में चेक करना चाहिए, क्योंकि जब हम आए थे तो मैं भी आप जैसे था और मैंने शंका में यही रहा कि ये गलत है सही है, क्योंकि किसी भी चीज को एकदम से हम मान लें ये भी गलत है, किसी भी चीज को हमें उसको चेक करना चाहिए, डॉक्टर भी चेक करता है, कोई भी अच्छा आदमी होता है दूसरे को परख करता है कि ये मुझे पैसे देगा नहीं देगा, बेईमाना करेगा, उसको चेक करता है 10-5 दिन महीने 2 महीने बरत के देखता है, तो आदमी को पहले उसको बरत के देखना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मत करिए कि एकदम से किसी चीज को हम नेगलेक्ट कर, आप लोगों को गलत प्रचार करी हो तो बंदा किवें हो कर दूंगा, तुसी बरेम झूठ बोली जाने होगे, ये पहले तुसी आप ही पढ़ के दसो ते इहदा अर्थ दसो, जिहड़ियां चीजां ये जो लिखा है ये पढ़िए ना इसको, कलयुग को समाप्त किया, सतयुग की शुरुआत की, नया अवतार श्री माता जी निर्मला देवी, कैसे उपाधि दे दी आपने, ये कहां से हो गया सतयुग, देखिए 12,000 वर्ष का कलयुग है शास्त्र में लिखा हुआ है, अभी कहां से कलयुग समाप्त हो गया, इन्हें करता नहीं, वेद शास्त्र में 12,000 वर्ष का कलयुग है, 2,000 वर्ष बीता है अभी, तो अभी कलयुग कहां समाप्त हो गया, इन्होंने कैसे लिख दिया सतयुग शुरुआत हो गया, कैसे भी
सत्यु का क्या पहचान है? सत्यु की पहचान ये है कि जो आदमी सच्चा ईमानदार और चरित्रवान है। तेरे तुरे फिरते हैं, मैं हो सकता मेरे तो सच्चा कोई ना हो, हो सकता मेरे तो झूठा कोई ना हो, जुड़ा काम तुसी कर रहे हो, मनु लादा तोड़े तो झूठा कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप जब उसको चेक करिए, मुझे भी चेक करिए, मैं आपके सामने हूँ। ये कोई डॉक्टरेट है जे कोई होवे? डे बाई डे इंसान की हाइट कम होती जा रही है। कलयुग के अंत में जब लास्ट कलयुग का अंत आएगा तो इंसान की हाइट 8 अंगुल हो जाएगी, शास्त्र में लिखा हुआ। जो अभी कलयुग समाप्त नहीं हुआ, अभी कलयुग के 2000 वर्ष बीते हैं, 12000 वर्ष का कलयुग है, अभी आपने कैसे लिख दिया? एक मिनट, ये तो शास्त्र लोग झूठे हैं, उसको हम झूठा मान ले, आपको सही मान ले, या तो आप जो कह रहे हो वो गलत है, दोनों एक ही चीज है ना। लिखे कहते जो पहले युगों में श्री पार्वती जी, फतिमा जी, नानकी जी, मदर मेरी थी, ये तो सभी की थी, ये अकेले इनकी थोड़ी ना थी। आप जो समाप्त हुआ, देखिए पहली बात तो ये कि आप कभी भगवान श्री राम आएंगे, वैष्णो देवी की शादी होगी, अभी तो सारा प्रकरण स्टार्ट है, अभी आप कहते हो कि कलयुग समाप्त हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रंथ पढ़ के एक गल कही आंदे ने, तुसी दूजे पासे लाई आने होगे, तुसी मनूंगा केड़ी की थी? कुरान पढ़ी? कुरान तो मैं मानता नहीं। लो भागवत गीता पढ़ी? भागवत गीता पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है। आप कुरान की बात करते हैं, कुरान में ये लिखा है कि आप किसी काफी की हत्या करेंगे तो आपको ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। आप सुनिए, कुरान में ये लिखा है कि आप किसी काफिर जो मूर्ति पूजा करता है उसकी आप हत्या करेंगे तो आपको 72 हूरे मिलेंगी। मैं ये पूछता हूँ वो कुरान लिखने वाले से कि उसको तो हूरे मिलेंगी बंदे को, और जो उसकी जनानी जाएगी उसको क्या मिलेंगे? आप कुरान की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में किसी भी मूर्ति पूजा करने वाले को मार देना चाहिए, कुरान को आप सही मानते हैं? कैसे आप जो आप जैसे भी किस्म दो, कोई मूर्ति पूजा करना उसका उसको मार दो, ये कहीं लिखा है? नहीं चलो एदे च, अच्छा एदे च, बक्सा साहब एक चीज होर दस दो एदे च, ए ता चीज आपां कह देना, देखो ग्रंथां दी जिहड़ी चीजां ने गियां ओह जिन्हां ने लिखियां ने जो मन रहा ओह वक्री रही, पर जिहड़ी तुसी अपनी एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कह के, पॉजिटिव एनर्जी तां हर एक बंदा कहिंदा मैं पॉजिटिव एनर्जी रखा, हो सकदा मेरे नाल बहुत अच्छा हो जाए, मैं किसी का माड़ा नहीं करूंगा तो मेरे नाल माड़ा भी क्यों होगा, ठीक है। इस तरह दी बथेरियां चीजा ने, पर जे देखा जाए जी तुसी इहदा भ्रम फैलाउण वाला काम है, इह तां लोकां नूं भ्रमित कर रहे होंगे। नया अवतार श्री निर्मला देव जी वो तुसी खुद ही कोशिश करता, ये किवें हो सकता, किवें पॉसिबल, किवें पॉसिबल इसलिए है कि जब आप इसका प्रैक्टिकल लेंगे, जब आप जी नु किवें अवतार बनाता वो तो दसो ना, पहले मेरी बात तो सुनो, पहले आप बता लो फिर मैं बताऊंगा। देखिए जो कुरान में लिखा है कयामत के समय कयामा चलेगा तो उस समय क्या परिवर्तन होंगे इंसान में, और उनकी हदीस बुक में भी लिखा है, शायद वो पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने उसको पढ़ा है बाकायदा, हर ग्रंथ की स्टडी की है, तसल्ली से की है, और मैंने किसी को ये नहीं कहा ये गलत है, ना आज भी कहता हूँ गलत है, मैं ये कहता हूँ कि जो उसमें लिखा है उसको हमें प्रूफ करना चाहिए। उसमें लिखा है जब कयामत चलेगी हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी। आप किसी कुरान पढ़ने वाले से पूछिए कि लिखा है कि नहीं लिखा है कुरान, मैं देखो मैं वो चीज नहीं पाऊंगा, मैं ग्रंथा च नहीं जाऊंगा, मैं कोच नहीं जाऊंगा, मैं तो तुहाडी जिहड़ी जिहड़ी चीज का, एक मिनट सुनील जी, जिहड़ी चीज का तुसीं प्रचार कर रहे हो सानू तो यह सरासर गलत लगती है, ऐसी किवें इनू मनीए? और जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो भी अपने विच पॉजिटिव एनर्जी रखो, उहनू पंजाबी च कहने भी असीं आपदे विच हिम्मत रखो, तुसीं आप हौसला रखो, सही रहो, उदू बाद च तुहानू लगूगा ते जिहड़ी थोड़ियां किसी तरह की दिमागी टेंशन नहीं होगी तो तुसीं इन्हां चीजां नूं हरा सकदे हो। बट ये जे तुसीं कहो भी अवतार किसी नूं दस दईए, उदू बाद विच प्रत्येक इंसान देश अपनी समस्या प्रकृतिक आपदा किसी भी बीमारी वायरस बीमारी को शरीर से हरा सकता है, हर ग्रंथ को मानते आप मानते हो? जो बुक जो पुस्तक किसी व्यक्ति की मृत्यु करने का आदेश देती है आप उसको धार्मिक मानते हैं? आपने कुरान नहीं पढ़ी, मैं कहना कोई आपा देखो मेरी गल सुनो, मैं इस चीज तरी आपा इन्ना तो पूछ लिया ना जिहड़ी आप चीज नहीं फिरदे ने, तुसी जिहड़ी पढ़ लो आप, देखो देखो बंसल साहब ऐसी कह रहे हैं भी जिहड़ी तुसी आपदी दस रहे हो आप धार्मिक बुक मान रहे हो, एक मिनट जिहड़ी इन्हां दी आपदी चीज हैगी आपां उहदे ते गल करांगे कि जिहड़ी तुसी आपदा इह कह रहे हो पॉजिटिव एनर्जी, तां पॉजिटिव एनर्जी तां हर इक बंदा कहिंदा तुसी अपने विच रखो, कईआं तां रखी जांदी है कईआं तां नहीं रखी जांदी, कहना नहीं है इन्ने क जे कहीए आ हाथ उतां इंज करके किवें हो जाऊगा, कहना नहीं है। आप दो परिवार लीजिए, तीन लीजिए, जहां भी आपको अच्छा लगे, पहले सुन निर्मला देवी जी कह रहे हो भी देवी मनो, ये हटा दिया मैंने, दो मिनट आप ये फोटो हटा दिया, क्यों आपने ठीक है हटा दिया? सुनो तो लो यार, अब पांडे जी मुझे पता आप, है आप गुरु की आप आपके गुरु है, पहले सुन तो लो, आप निंदा होती है ऐसे, पहले मेरी सुन तो लो, आप एक तरफ तो ठीक है गुरु जी ने हटाओ ना, ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना पहले एक या दो परिवार या 10-5 मरीज
या किसी भी आध्यात्म का, सबको बुला लीजिए, उसमें मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे, ठीक है, वहां पे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। पहले मेरी सुनी, पहले मेरी जड़ी सारी चीजें थोड़ी मान लाने, डॉक्टर बेफिजूल तो फिर मैंने डॉक्टर को बेफिजूल नहीं बोला, मैंने ये बोला है तो ये सिद्ध होता है कि हर एक बंदा जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेगा डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे नहीं, वो तो है ही, जब आप स्वस्थ रहेंगे संतुलन में रहेंगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मर्ज ही नहीं होगा। सवेरे शाम बेशक मीट खाई, चलो कुछ खाई होते बंदा वैसे ही बीमार हो जाए, डाइजेस्ट सिस्टम खराब। समझे नहीं, मैंने ये कहा जो आदमी जो खाता है उसमें हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे कि ये मत खाओ ये मत पियो, हम ये कहेंगे 5 मिनट ये प्रैक्टिकल करो जो आपके आत्मा के विरोध में है, पॉजिटिव एनर्जी के विरोध में है, वो अपने आप बंद होगी, बंद नहीं करेगा। हिप्नोटाइज कुल मिला के है, अभी हिप्नोटाइज रखा है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी जवान को, वहां खाना रखा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ, वो खाना आ जाएगा अंदर, हाउ कैन पॉसिबल। आप ये कह रहे हो ना, मैं ऊपर से धरती से मैं ले रहा हूँ, अरे भाई कैसे ले रहा हूँ, जब वहां खाना रखा है मैं कहता हूँ वो खाना मैं खा रहा हूँ, वो आ जाएगा हमारे अंदर, जो नहीं आ सकता तो वो ऊर्जा आकाश की और पृथ्वी की कहां से आ जाएगी? नहीं तो की लग रहा की डाके की समझा रहे डॉक्टर साहब, कहने डॉक्टर साहब ये नहीं से पूछ लो, हां हम तो तैयार हैं भाई, ये मैं फोन वहां रख देता हूं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब आदमी के पास में पैसा नहीं रहे, मजबूरी आ जाए, वहां से हम काम करते हैं, हम कोई पैसा नहीं प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम नहीं बेच रहे, पर जानकारी गलत दे रहे हो ना हम इंसान को अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे उस दुनिया में कहीं पर भी तरफ तो हर अपने देवी देवते जेड़ा भी कोई पिता मानता है वो सारे कह रहे नहीं, कह नहीं रहे हैं हमारे, तो आप प्रैक्टिकल पे कराइए बात, जब कैसे हो जाएगा, कौन सा मशीन है कि टेस्ट हो जाएगी मशीन, जब मर्ज आपके पास मरीज होंगे और डॉक्टर भी होगा और आध्यात्म गुरु भी है सब, और भी बुला लीजिए, और उसमें हम दो दो चीज हम ले लेंगे, दो मर्ज को ले लेंगे, किसी को भी दे देना हमें, चाहे वो अस्थमा हो, प्रैक्टिकल तो बात की बात नहीं, बात की मैं बात की, ये फोन मैं वहां रखता हूँ भाई साहब, ये फोन रख दीजिए, ये फोन वहां रखा हुआ है, मैं बोलता हूँ कि मैं ऊपर से वाले से दुआ करता हूँ ये फोन मेरे हाथ में आ जाए, आ गया नहीं आया, तो ऊपर वाले की शक्ति हमारे अंदर कैसे आ जाएगी, एग्जाम्पल है कि नहीं, जब तक कोई भी सद्गुरु आपको कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, मैं सद्गुरु की गलत आ जाना थोड़ी से पिछे वाला छड़ देना, अगे नू चली जाने ना, ना तो गल खत्म ही नहीं होगी, कहते तुसी कहंदे सद्गुरु तुसी बन जाओगे, इतना सौखा क्यों आप बिना, जब आप सद्गुरु हैं नहीं है क्यों, आप सद्गुरु हैं, हम गुरु हैं, आप क्यों नहीं, ये मेरा फोन मेरे हाथ और सद्गुरु में फर्क है, दोनों ये फोन मेरा मेरे हाथ में आ जाए, आप करिए प्रयोग करिए, ये काम करा के दिखाओ मेरे सामने किसी से, हम शरीर को ठीक करेंगे या इंसान को बदलेंगे, अरे कोई आदमी अपराधी है बार बार, हम उसको बदलेंगे, आपकी बात को एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। जब ये फोन हमारे हाथ ये हाथ में ऐसे नहीं, अरे उस परमात्मा की पावर ऐसे नहीं आ सकती, ऐसे ही आएगी, जितने भी आए हैं सबको मिली है, ऐसा नहीं है नहीं मिली है, तो और चैलेंज की बात है, हमारे साथ रहिए हम आपके पास रहेंगे और पूरा खर्चा हम खुद उठाएंगे, आपको जरूरत नहीं है, और किसी भी हॉस्पिटल कहीं भी चलिए आप दुनिया में, मैं आपके साथ चलूंगा और आपको दिखाऊंगा जिस मरीज को हम प्रैक्टिकल देंगे, अगर उसको जल्दी फायदा हो और दूसरे को उससे जल्दी नहीं हो तो मानिए, तब ऐसे थोड़ी है, पीजीआई लगवा दिए तो पीजीआई वाले ने गल कर लिए, फिर तो डॉक्टर साहब पीजीआई वाले ने गल कर लिए, तो बेचारे वैसी रिसर्चा करते फिरी जाते हैं, पीजीआई वाले डॉक्टर जी वाले ये तो पॉजिटिव एनर्जी ले लेना, लोड ही नहीं एमबीबीएस एमडी होने की, समझे नहीं, आप जो है जो पीजी हो या कोई भी हो, अनपढ़ आदमी भी फायदा करेगा भविष्य में, और इस डॉक्टर साहब देखो सीधी जी गल है, जो कहता कोई जिम्मे एक गल बनी आई है भी तुसी किसी का माड़ा ना करो तोड़े ना माड़ा नहीं होगा, ये तो एक वो चीज है, तुसी पर इनू ये प्रमित ना करो भी तोड़ा है जो फॉर्मूला जा करके बंदा ये तो सतगुरु मेरा नहीं है, जब आपको ये मिल जाएगा आप 1000 को फायदा करेंगे, मेरी जरूरत नहीं बार बार आपको, और आपको इतने फोटो से गुरु माता जी ने सिखाया, इन्होंने 180 कंट्री में सिखाया, मेरे भी अकेले को नहीं सिखाया है, मैंने तो इस पे मास्टरी की है, मैं खुद ठीक हुआ हूँ, तब मैंने शुरू किया, हाँ की हुआ है, मैं खुद पेशेंट था, किसी का मैं अस्थमा पेशेंट था, अस्थमा हट गया, इतना हाई था कि मैं चल नहीं सकता था, मेरी इतनी मजबूरी थी, मेरे ने जो एक्सरसाइज करके पता नहीं कितनी बीमारियां लोगों ने ठीक कर लिया, पर ये थोड़ा ना भी लोगों को कह दिया डॉक्टर भी छोड़ दो, तुसी कोरोना का इलाज करता दसो हद है, बड़े बड़े विश्व च नहीं होया, इंजेक्शन लगन तो बाद भी वो कहते हैं कि ये पूरा जो नहीं ये चीज होगी तो तुसी फिर आप जिसके पास ये चीज होगी हम आपको बताएंगे कि ये इंसान को आप कुछ भी करके देख लीजिए उसको फायदा होगा, क्यों तुसी मेरा दस सकते हो मैं की होया कि नहीं होगा, ये तो आप जब 10 दिन मेरे पास रहेंगे या मैं रहूंगा तब मुझे आपका पता लगेगा, एक दिन में 1 मिनट में थोड़े बनाने वाला काम कर दे, आज 10-10 बंदे इकट्ठे कर, 10-10 बंदे क्या 1000 करेंगे,
खर्चा तो हम देंगे उनका, आप थोड़ी देंगे, खाना हम देंगे। मेरे पास कहां से ला रहे हो पैसे इतने खर्चे, इतना खर्चा बच्चा कैसे उठा रहे हो? कहां से? जब पहले था तो 10,000 की दवाई खाता था, आज वो बंद है। और 6 परेशानी वो रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, तो आज वो सब चीज ठीक है, सब छूट गई, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो पैसा मेरा बचता है, उससे मैं चलता हूँ और एक हजारों लोगों को देता हूँ फ्री। कोई पैसा नहीं चलता है ना, प्रोडक्ट बेचता हूँ ना बेचूंगा जिंदगी में। लेकिन जो आदमी थक गया बेचारा, मजबूर है, चाहे वो गांव में झोपड़ी में रहता है, उसकी मदद के लिए हम हमें कोई तुसी कर दो, पर आप भ्रमित ना ना करो, मदद तक करो, किसी की भी करो तुसी, पर ये तो भ्रमित कर रहे हो। साइंटिफिक है ये, प्रूफ है। कहां से प्रूफ? अरे भाई जब आप सामने हो गए तभी तो हम प्रूफ करेंगे। आप मरीज ले आओ, 4 दिन मेरे पास रहेगा, 4 दिन आप अपने पास रखो और दोनों पे पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री ने सलाह देती है यार, साडे वाला मुल्कां नालों हॉस्पिटल की लोड़ आगे। प्रधानमंत्री जी भी एक दिन अपने आप उनके पास जब ये मैसेज जाएगा तभी तो, अभी तो आपके पास ही की जूती पहनता जब था, आज 146 रुपए दिहाड़ी है उसकी और वो हजारों लोगों का दादा बना हुआ था। तो ऐसे ही भ्रमित करने का एक प्रोग्राम, डॉक्टर साहब खुद पेशेंट थे आपसे पहले। हाँ नहीं आज डॉक्टर साहब करने की लोड़ा तुसी यहीं दस दो। क्या है? आयुष डिपार्टमेंट से हूँ, आपको पता है सर, आयुष डिपार्टमेंट में ही मेरे पास आयुर्वेदिक BMS हूँ आयुष मंत्रालय में। तो उसमें क्या है कि जो आपने देखा था पीछे जितना आयुष सरकार ने भेजा पहले तो ये बताइए, ये प्रचार नहीं। मैं तो इसको जैसे डॉक्टर साहब चलते हैं इनके साथ चलता हूँ। कोई सरकार क्यों? कारण यह है कि इसमें क्या है कि इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की बात की है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी की बात में साथ साथ ये भी कह दिया ये कि परम पूज्य माता श्री निर्मला देवी जी, इन्होंने ये शुरू किया था। उसके बाद सुनिए सुनिए, अब पहले बात में जवाब देना, आप डॉक्टर हो ये बात कह रहे होगे, ठीक है? जब आपको किसी के सामने ये बिठा देते होंगे ना, जिस तरह से हमारे सामने बिठा दिया, लोग तो वैसे ही मान लेते होंगे आधी बात। तो फिर उसके बाद में कलयुग को समाप्त किया, डॉक्टर होकर कलयुग वलयुग को मानते हो? देखो ये तो जो शास्त्रों की बातें हैं सारी, हमारा तो मेन मेडिकल से आ जाओ आप। हाँ। मैं तो मेडिकल की बात करूंगा। हाँ। क्योंकि डॉक्टर हूँ। हाँ। मेडिकल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे इसमें क्या होता है कि आदमी पे जब हम मेडिसिन दे रहे अपनी। हाँ। जो भी हमारी उसमें आयुष डिपार्टमेंट में बताई गई है। हाँ। कि भी इनको ये काढ़े दिए जाए, जो भी मेडिसिन हमारे प्रसाई की है वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पावर शुरू कर दी, बात तो सुनो आप। तो उसमें हम क्या करते हैं साथ में कि जैसे अलग अलग वार्ड हैं, उन वार्डों में हम क्या करते हैं कि जैसे ये वार्ड है मेडिसिन तो दे रहे हैं, वो तो मना नहीं कर सकते। उसके साथ के एक वार्ड में हमने उन पेशेंट को पॉजिटिव एनर्जी की जो टेक्निक बताई वो दी, एक में नहीं दी। वो तो कुल मिला के योगा, वो तो योगा तो कोई भी कर ले। योगा नहीं, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया इन चीजों को, जैसे वहां पे पेशेंट, जैसे एक पेशेंट है मान लो उसको बार बार जुकाम है, फीवर है, प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो जब उनको दिया गया, हमने वहां पे प्रैक्टिकल देखा, जब उनको दिया गया, जैसे दूसरे पेशेंट अगर 15 दिन में ठीक हो रहे हैं, उनका जो कोरोना टेस्ट जो भी प्रॉब्लम थी, दिल्ली सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देनी सी ना, ये तो बेचारे एमी के ये खुद लोगों ना खफा कौन हो रहे हैं। तो इन्होंने तो बेचारों ने कई बार लेटर लिखा, उनको क्यों नहीं माने? उनको पता है ना कि ये चीज आप क्या कर रहे हो, ये चीज सामने रख करके आप पीछे प्रचार किसी और चीज का कर रहे हो। नहीं, उन्होंने पहले लेटर लिखा वहां पे कि भी आप ऐसे कीजिए कि जैसे जो पेशेंट्स हैं वार्ड हैं उनको आप दीजिए, और उसमें आप खुद देख लीजिए, आप अपने जजमेंट खुद कर लीजिए उसका कि अगर पेशेंट ठीक हो, कोई बेनिफिट हो तो उसका ये कीजिए, अगर नहीं हो तो बात खत्म, उसको ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर दीजिए। पर डॉक्टर एक गल कह रहे हैं, कोरोना खत्म हो जाएगा जिम्मे इन्होंने करता ऐलान। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि कोरोना क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, जब बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो वायरल वैसे ही नहीं होगा। ये चीज ये नहीं कह रहे सारी चीजें, ये चीज ये नहीं कह रहे सारी चीजें, आप साथ में घूम रहे हो, आप डॉक्टर हो करके, मैं तो मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से आप जो बातें कह रहे हो ना वो सारी चीजें तो ठीक है, वो तो मैं भी खुद इनसे पूछ ली, ये अवतार, ये फलाना, ये धिमका, ये सब चीजें थोड़ा ना चलेंगी। मैं आपको ये बता रहा कि जो माता जी निर्मला देवी ने जो चीज बताई है
आप उनके चेले हो सकते हो, तो बाकियों को भी आप ऐसी ऐसे ही शिक्षा दोगे आप? देखो कलयुग कहां समाप्त हो गया, देखो कलयुग कैसे हो गया? मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, शास्त्र की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तुसी दो चीजां देखो, तुसी दो लोग, तुसी दो लोग, दो आप दो लोग घुमा रहे हो सब चीजों को लेकर के। आपको लगता है कि आप सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद ये सब चीजें करोगे? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम बता रहे हैं, हमारा मकसद है कि शरीर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़े जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। काढ़ा पीपी के डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो, क्या नाम आपका, नाम क्या? डॉक्टर जीवन सैनी। डॉक्टर जीवन जी, मुझे ये चीज बताइए, अच्छा मैं खाऊंगा, अच्छा मैं पीऊंगा, अच्छा मैं काढ़ा पीऊंगा, जो चीजें दे दी उन सब चीजों से, और मैं योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? पहले पहले ये चीज बताइए आप। मैं आपको इसमें एक्सरसाइज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये सब चीजें मैं कर लेता हूँ, मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी ना आपका? अगर नहीं, मैं आप मेरा एक्सेप्ट नहीं समझा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे दो वार्ड लिए हमने, एक वार्ड में काढ़े दिए, दोनों में काढ़े चल रहे हैं पेशेंट्स में, इधर भी 20 पेशेंट है, इधर भी पेशेंट 20 पेशेंट है। जब हमने देखा कि जो इधर के पेशेंट हैं, जिनको हमने सिर्फ काढ़ा काढ़ा दिया, उनको हमने पॉजिटिव एनर्जी की टेक्निक नहीं बताई, तो जिनको बताई वो तो नेगेटिव हो रहे जल्दी, उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक हो रही। आपके सीनियर्स को वहाँ पता है सारी ये चीजें कि आप ऐसे लोगों को, ये तो भ्रमित करने वाली बात है। जितने 20 बंदों को आपने कर दिया होगा, 20 बंदों को आपने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में दिया हमने प्रोग्राम, ये आपको क्यों नहीं प्रमाणित किया? प्रमाणित हम प्रमाणित वहाँ भी लिख रहे, अभी भी चल रहे लेटर, हम तो कह रहे हैं के भी गैदरिंग दीजिए, कोई ये नहीं आपके पास, हम यहां थोड़े हैं। चीजें क्यों कर रहे हो तुसी, आ कलयुग वाला कांसेप्ट क्यों पाया बीच? की डॉक्टर साहब चलो ए तो दस नहीं रहे हैगे, ए तो आपकी उन्नी गलत कह रहे, इन वाली गलत मैं बिल्कुल जायज कहना चाहता, मैं तो मेडिकल दी बात, डॉक्टर साहब आपकी मेडिकल जो कह रहे हो ना, आप तो उतनी बात ही कह रहे हो जो चीजा, पर जदों तुसी उन्हां दी गल दे नाल जाके सफाई दिंदे हो ना, तां उन्हां दी गल ये हुंदा वी जिन्नी गल कहती है वह भी सत्या वचन है, ये किवें हो सकदा, पॉसिबल किवें हैगा? तुसी पढ़े लिखे डॉक्टर हो, ठीक है, तुसी बिल्कुल जिहड़ी गल तुसी करी आ मैं भी उहदे नाल सहमत हां, उन्हां दी गल नाल किवें सहमत हो जाइए? जदों तुसी नाल जांदे हो इह तां तुसी भ्रमित करन वाला काम कर रहे हो ना, उह पिछे उह करदे ने उत्ते पोचा तुसी मारदे हो। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल करना है, साइंटिफिक प्रूफ होगा, ऐसा नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ पर युग की बातें क्यों डाल रहे हो फिर बीच में? कलयुग का आपको शब्द बुरा लगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम अभी आप बीच में एड ऑन कर रहे हो ना, वो गलत बात है, फिर धार्मिकता क्यों कर रहे हो तुम? धार्मिकता तो अरे ये प्रूफ ही तो है, इसके बिना तो जो गीता में लिखा है वही तो प्रूफ कर रहे हैं, कोई बाहर थोड़ी जा रहे हैं। आके गल ये है कि तुसी देखो कि डॉक्टर साहब ने आके जिहड़ियां गल्लां कहियां उही काढ़ा उही तुसी एक्सरसाइज करदे हो ते ओ ता सारी कह रहे ने, यह आयुष मंत्रालय की गल हो चाहे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक की गल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मनी जा सकती है, पर जिहड़ी गल बंसल साहब कर रहे हैं वो मनी जा सकती है या नहीं, फैसला खुद जनता कर लूगी, पर एक एदे विचों मैसेज निकल के आता है कि जदों इस तरह के कोई प्रचार तुहाडे सामने हो ना, एक एदे विचों मैसेज निकल के आता है कि जदों इस तरह के कोई प्रचार तुहाडे सामने हो ना, तां तुसीं जिन्ने तर्क वितर्क ऐसी करे ने या लोग जिवें सामने खड़े होके इन्हां नूं सीधा सवाल पुछदे ने, पुछने चाहीदे ने, इस तरह के जे सीधे तौर पर आके तुहानूं कोई यह पूरा पाठ पढ़ाता तां उहदे ते यकीन करना, तुसीं आप समझ गए होंगे कि आखिर कर कितना सही है ते कितना गलत। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट कमल दे नाल सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।